खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। इन दिनों अभियान चलाकर अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माणों को तोड़ रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण का खुद का दफ्तर ही अवैध तौर पर बना हुआ है। प्राधिकरण ने अपने दफ्तर का नक्शा किसी भी सरकारी एजेंसी से स्वीकृत नहीं करवा रखा है। इस अवैध निर्माण की स्थिति को देखते हुए 8 जून को सिविल न्यायाधीश कंगना राणावत ने प्राधिकरण और अजमेर नगर निगम के आयुक्तों के साथ साथ जिला कलेक्टर और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में अब 11 जून को सुनवाई होगी। श्याम सुंदर तापड़िया और प्रेम सिंह की ओर से एडवोकेट विवेक पाराशर ने एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि प्राधिकरण गरीब और आम लोगों के अतिक्रमण तो हटा रहा है, लेकिन खुद का अतिक्रमण नहीं हटा रहा। राजस्व मंडल के सामने टोडरमल मार्ग पर जहां प्राधिकरण का दफ्तर अवैध है, वहीं इस परिसर में नियमों के विरुद्ध ही बैंक, कैंटीन, पार्किंग जैसे व्यवसायिक कारोबार भी हो रहे हैं। अदालत को बताया गया कि प्राधिकरण ने अपने कार्यालय का नक्शा किसी भी सरकारी एजेंसी से स्वीकृत नहीं करवा रखा है। बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए, उसे बिना न्यायालय में आने का अवसर दिए, तत्काल प्रभाव से मौके पर जेसीबी जाती है, पुलिस जाब्ता अजमेर विकास प्राधिकरण का जाता है और उन्हें ध्वस्त कर देता है। पहले वो अपने खुद की बिल्डिंग का देखे कि खुद की बिल्डिंग जो बनी हुई है, जिसके अंदर वो बैठ कर ये आदेश जारी कर रहे हैं, उस बिल्डिंग का क्या मानचित्र स्वीकृत है, क्या उसका साइट प्लान स्वीकृत है, क्या वो ऐसा निर्माण उन्होंने जो कर रखा है वो करने के लिए उसको स्वीकृति प्राप्त कर रखी है। उन्होंने अंदर कई अवैध रूप से बैंकों को किराए पर दे रखा है, कैंटीनों को किराए पर दे रखा है और कई व्यवसायिक गतिविधियां भी बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए संचालित कर रहे हैं। तो इस याचिका के माध्यम से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है और अजमेर विकास प्राधिकरण के अवैध भवन को गिराने की मांग की गई है। इसमें अजमेर विकास प्राधिकरण के साथ साथ नगर निगम आयुक्त को भी पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि नगर निगम में भी देखा गया है कि वो अवैध बिल्डिंगों को सीज करने की कार्रवाई बड़े युद्ध स्तर पर करता है। तो उनसे भी गुहार की है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग को सीज किए, सीज करा जाए जब तक उसके निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जाता। और इन सब मांगों को लेकर जनप्रतिनिधि वाद जो है श्याम सुंदर तापड़िया और प्रेम सिंह की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें आज माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ नगर उत्तर की अदालत में वाद प्रस्तुत किया गया था, परंतु वो आज अवकाश पर थे। तो लिंक मजिस्ट्रेट जो है अजमेर पूरब की अदालत है, जिनमें श्रीमती कंचन सिंह राणावत जी हैं, उनकी अदालत में मामला पेश हुआ, उन्होंने सुनवाई की और उसके बाद में नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं और 11/6/2018 को प्रकरण की सुनवाई होगी और जब इनका जवाब आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आएगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।